इंटरव्यू में भी बहुत लोग खेल रहे हैं, बड़े बड़े खेल रहे हैं, बहुत तेज ये राजनीति चल रही है क्या? ये अपने आप को बहुत इस गेम में राजनीति सवाल करा ना मैं आपसे बहुत प्यारा सा बन के जवाब दूंगा, नहीं नहीं भाई मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ये इनकी बातों में मत जाना। राम राम भाई, सभी भाइयों का आप सभी का स्वागत है प्रेम पवार व्लॉग यूट्यूब चैनल पे। और भाई आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जो भी व्लॉग है काफ़ी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं प्रतिदिन। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि वीकेंड पे खेलने के लिए जाते हैं और सभी प्लेयरों से मिलते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है टूर्नामेंटों में वो दिखाए जाते हैं, चैनल पर वीडियो डाले जाते हैं। और मेरे साथ है भाई का स्वागत है नीरज सहरावत चिराग दिल्ली टीम से, भाई स्वागत है आपका। राम राम भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा नीरज भाई, आप देख पाएंगे अभी इस वीडियो में इंटरव्यू वीडियो है, तो भाई ने अपनी सहमति से खुश हो गए इंटरव्यू के लिए यस किया है। तो भाई 5,000 रुपये लिए हैं, 5,000 रुपये लिए हैं, वो मैं बताऊंगा नहीं, मतलब कट कर दूंगा इस बात को एडिट करके। तो भाई आज जो भी मतलब मेरे क्वेश्चन रहेंगे खेल से संबंधित, जब से ये खेल रहे हैं बहुत सारी बातें पूछेंगे। और मेरे साथ में काड़े भाई भी है चिराग दिल्ली से, और नीतिन भाई है नीतिन अहलावत चिराग दिल्ली से। तो काड़े भाई भी और नीटा भाई भी खेल से संबंधित जो भी बातें नीरज भाई से पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं भी करूँगा, बाकी सब कुछ जानेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है सभी से जो भी भाई देख रहे हैं शूटिंग वॉलीबॉल के प्लेयर और जो भी भाई, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फेसबुक पे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी में, ताकि नीरज भाई का जो भी एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का इस गेम में वो सभी पब्लिक हो सके और जो यंग प्लेयर हैं उनको बेनिफिट हो सके जो भी बातें बताएंगे। तो अभी इंटरव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नीरज भाई, हाँ जी भाई, वीडियो इंटरव्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे स्टार्टिंग का ही पूछना चाहता हूँ कि इस गेम में मतलब कब से आप एक्टिव हुए, मतलब जैसे टूर्नामेंट खेलने जाते हैं बाहर निकलना स्टार्ट किया अपने टीम के साथ, वो बताएं आप कब से शुरू किया आपने ये गेम? भाई मैंने खेलना तो 6th क्लास में था ना जब, मैं अच्छा तब खेलना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में पहले नेट खेलता था। अच्छा, नेट में के साथ पोजीशन चेंज होती चली गई। हाँ हाँ, मतलब तो कितनी एज थी लगभग आपकी जब 6th क्लास में? 11-12 साल तब से शूटिंग वाली खेलना स्टार्ट किया था, घर के सामने ग्राउंड था। अच्छा अच्छा, वहाँ पे बड़े भाई खेलते थे, फिर हमने भी। अच्छा, आपके परिवार से बड़े भाई खेलते थे और वहीं से शौक लग गया था। फिर उसके बाद नरेश भाई थे और वो भी थे भाई हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो टूर्नामेंटों में जाते थे तो उनके साथ एक दो बार टूर्नामेंट देखने चले गए। हाँ हाँ, तो वहाँ भीड़ देखी, माहौल देखा। अच्छा अच्छा, तो लगा के भाई हमें भी इस गेम को खेलना है, हमारे लिए भी इतनी फैन फॉलोइंग हो। कौन से सन में मतलब स्टार्ट किया मैंने भाई? 2008 में मान लो टूर्नामेंटों में जाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद उस वक्त पे मैंने, अच्छा 2008 में कौन सा गेम चलता था ये थर्ड वर्ल्ड रैंड का? तो नहीं, बाद नहीं, में स्टार्ट हुआ तो ये ड्रॉपिंग चलती थी जब उस वक्त पे, ये थी अपने सुनील भाई थे एक। अच्छा, सुनील सैंडो। हाँ हाँ, विमल क्लब था सुरेश सिहर का। अच्छा अच्छा, ये टीमें थी। उसके बाद साउदा क्लब था एक, साउदा जॉनी भाई और दोनों भाई, और ये भूनू भाई का टीम थी एक अपनी। अच्छा अच्छा, यही टीमें फेमस हुआ करती थी उस वक्त पे। यमुनानगर तो बहुत बाद में आई थी। उसके बाद 11वीं तो हाँ, तो क्या कहते हैं अपना निठारी में टूर्नामेंट था वो। निठारी में तो हाँ, हर साल बहुत सालों से टूर्नामेंट होता रहा निठारी में, उस टूर्नामेंट में गया था मैं। अच्छा अच्छा, फिर मेरा पहला टूर्नामेंट था ये भादरगढ़ पावर हाउस है ना। हाँ हाँ, भादरगढ़ यहाँ पे गए थे हम खेलने, हमारा सबसे पहला मैच बूंदू से ही हुआ था जाते ही। अच्छा अच्छा, गाँव के बच्चे गए थे, मेरा पहला टूर्नामेंट था, उसमें मैं नेट खेला था। अच्छा अच्छा, गाँव के ही खेलते थे उस समय आप? हाँ, उसके मैंने और शीनू ने स्टार्ट किया था बेसिकली। अच्छा अच्छा, उसके बाद और थे गाँव के भाई थे, एक सुंदर भाई थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर धीरे धीरे चलते चलते टीम बनती चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, फिर जुड़ते चले गए प्लेयर, सबको अपनी अपनी पोजीशन समझ में आती चली गई। हाँ, सही। फिर 11-12 में मतलब हम कभी जीत जाते थे कभी हार जाते थे, पोजीशन आने लग गई थी। अच्छा नीरज भाई, काड़े भाई ने आपके बाद स्टार्ट किया या
तब से ही खेल रहे काले भाई। काले भाई खेल तो पहले ही से रहे हैं, पर जब मैं बीमार हो गया था अच्छा तो फिर जब हमारी निगाह गई थी कि एक भाई रिप्लेसमेंट चाहिए कोई तो फिर हमने काले भाई को ट्राई किया था। ना सही है, काले भाई ने टीम में ऐसी परफॉर्मेंस दी कि बाकी सबको रिप्लेस कर दिया, परमानेंट हो गए। ना सही बात है, वो ये खेलने वाला बंदा तो भाई खेल ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, नीटे तो पहले ही आ गया था, फिर उसके 10-12 टूर्नामेंट बाद काले भाई भी आ गया था। अच्छा, आपका जो मतलब बढ़िया टीम रही है, मैंने काफी मतलब टूर्नामेंट देखे आपके 2010-11-12 में, आपकी जो चिराग दिल्ली टीम थी ड्रॉपिंग की, बहुत ही मजबूत टीम थी, जिसमें आपकी टीम में चकदे भाई भी खेलते थे साइड में, और आप भी खेलते थे, और सीनू भाई, ये सभी बहुत ही बढ़िया टीम थी, एक नंबर की मतलब कही जा सकती थी। काफी टूर्नामेंट कंटिन्यू आप विन करते थे अपने लिए, तो उसमें उस दौरान आपका जो बढ़िया चल रही थी टीम, विनर हो रहे थे मैक्सिमम टूर्नामेंट, तो कौन सा ऐसा टूर्नामेंट था जो कि आप संतुष्ट हो अपने प्रदर्शन से और अपनी टीम के प्रदर्शन, जो जो काफी मतलब खुशी हुई हो उस टूर्नामेंट को? खुशी तो पहली बार हमने यमुनानगर को हराया था ना, उस टूर्नामेंट में काफी खुशी हुई थी हमें। बाकी तो जैसे लोकल टीमों को जितनी मतलब अपनी साउदा सापला टीम हुई, बाकी उस वक्त की जो अच्छी टीमें थी उन सबसे तो हम जीत ही गए थे। अच्छा, एक यमुनानगर थी उस वक्त पे जिसको कोई नहीं हरा पा रहा था। अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद हम लगातार कम यमुनानगर से खेले थे काफी मैच। उसके बाद एक खांडसे में टूर्नामेंट होता है, अच्छा, वहाँ पे पहली बार हम यमुनानगर से जीते थे, तो उस दिन काफी खुशी हुई थी जब पहले हमारा मोगली नेट खेलता था। हाँ, मोगली। हाँ, उसके बाद फिर टकला है सापला से, हाँ, वो भी खेला है योगित भारद्वाज। योगित भारद्वाज, योगित के आने के बाद टीम काफी अच्छी हो गई थी। उसके बाद योगित हटके नीना नेटमैन मिल गया था हमें। अच्छा, तो जब नीना नेटमैन टीम में आया सोनीपत से, उस वक्त वो हमारा बेस्ट दौर था। उस वक्त पे मतलब हम लगभग ये था कि जो टूर्नामेंट जाते थे, हाँ मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, दो तीन टूर्नामेंट, कोई भी अभी भी अभी की भी बात बता रहा हूँ भाई, अभी भी आप 4-5 टूर्नामेंट कंटिन्यू जीत जाओ तो ऐसा लगता है दूसरी टीम कोई भी हो चाहे कि हरा देंगे यार आराम से, नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है खिलाड़ी। 2013-14-15-16 ये 4 साल हम ड्रॉपिंग में बहुत टूर्नामेंट जीते। ना सही बात, जो हम अच्छी अच्छी टीमें यहाँ जयपुर में जाके कमल से भी जीते, हर एरिया में जाके माँ की अच्छी टीम से ना, बहुत ही बेहतरीन टीम। अच्छा नीरज भाई, इस गेम के अलावा और कोई गेम आपने खेला, स्कूल टाइम में खेला हो या कॉलेज टाइम में? क्रिकेट खेलता था मैं स्कूल टाइम से। अच्छा, मैं क्रिकेट स्कूल की टीम का भी कैप्टन था। अच्छा अच्छा, हमने जोनल से भी जीता था। अच्छा, जोन के टूर्नामेंट भी खेले थे। क्रिकेट ही पहले ज्यादा खेलता था, उसके बाद फिर क्रिकेट में क्या था ना भाई, प्रेम भाई जैसे बोल है एक, अब हम बाउंड्री पे खड़े हैं, 20 ओवर का मैच है, 3 बार बोल आ रही है बाउंड्री पे। हाँ ये तो भाई बोर हो गया मैं कहीं ऐसा गेम खेलो जिसमें बार बार बोल आती रही ना, ठीक बात। फिर इसलिए हम वॉलीबॉल में आ गए। वॉलीबॉल में क्या है ना, एकदम से बोल आ जाती है तो तैयार रहना पड़ता है। क्रिकेट में थोड़ा ये बोरिंग चीज हो गई थी, आपने पूरे दिन फील्डिंग करी, पहली बॉल पे आप गलती से आउट हो गए, पूरा दिन वेस्ट हो गया। वॉलीबॉल में क्या है ना, अपना एक मैच आप हार गए, अगला शुरू कर लो। और फिर इसमें ना खिलाड़ी की एज भी निश्चित नहीं है कि भाई 30 साल तक ही खेल पाएगा बंदा, कभी तक भी खेल सकता, 45 साल का भी खेल सकता, नहीं? हाँ ये बात है। और मैं ये पूछना, 2-3 क्वेश्चन है मेरे, जैसे अभी जो ट्रेंड चल रहा है थर्ड वाला ट्रेंड का ज्यादा क्रेज चल रहा है, क्योंकि ड्रॉपिंग भी टूर्नामेंट बहुत ही कम हो गए, नहीं? हाँ, तो थर्ड बॉल अनरैंड का जो चल रहा है अभी फिलहाल, उसमें एक तो है 6 प्लेयर प्लेइंग का एक साथ का है, तो आपको कौन सा अच्छा लगता है फॉर्मेट, कितने प्लेयर होने चाहिए प्लेइंग? भाई प्लेइंग तो 6 भी ठीक है, 7 भी ठीक है, ऐसा कोई डेफिनेट कोई ऐसी पर्सनल चॉइस नहीं है। अच्छा अच्छा, बाकी 6 भी हो जाए तब भी ठीक है, 7 भी हो जाए उससे कम का तो खैर नहीं बनता अनरैंड में। अच्छा अच्छा, क्योंकि अनरैंड में 4-5 का तो बढ़िया लगेगा नहीं, 6 का और 7 का सही लगता है गेम। आप जो फॉर्मेट चल रहा है 7 प्लेयर होगा उसमें काफी बढ़िया टीमें तैयार हो गई हैं सारी, और हर टूर्नामेंट में 3-4 मैच अच्छे लगते हैं देखने लायक। ना तो अब ठीक चल रहा है, मतलब जो चल रहा है ना, बढ़िया बढ़िया। तो जो अच्छा, एक जीत जाता है, एक पंचायती होता है, 5-2 का होता है, 5-1 का होता है, या 6-1 का होता है, या फिर एक ओपन होता है, तो इनमें से कौन सा आपको बेटर लगता है? मैं तो क्या टूर्नामेंट होना चाहिए, चाहे भले ही मेरे गांव की टीम
बन जाएगी पंचायती में भी या 5-2 में बन जाएगी। मेरे को ये लगता है कि जितने फॉर्मेट के जितने भी टूर्नामेंट है ना उसमें सब अपना अपना ना फायदा देखते हैं, बातें तो सब अपनी अच्छी अच्छी करेंगे कि भाई गेम सुधारो आगे बढ़ाओ फलाना निकड़ा, पर मेरी ऐसी पर्सनल चॉइस है कि आदमी इस गेम में या ओपन ही टूर्नामेंट होना चाहिए भाई, जिसमें टैलेंट होगा वो तो अपने आप खेल कोई कहीं से भी मिल गया, आप भी आ गए सभी आ गए, आप इसमें ऐसा तो हर एक बंदा है जो भी आप खिलाड़ी देखोगे जिसको आना था वो तो आ ही जाएगा। ठीक बात है, तो दो टूर्नामेंट अच्छे खेलेगा उस सब टीम। इन 400 मीटर्स टर्न राइट। पंचायती में आप ये कह लो कि पंचायती का वो ज्यादा कहते हैं जिनकी पंचायती टीम बढ़ जाती है, फिर इसमें 5-2-4-1 में और इन सब में ना एक दिक्कत ही है सिटी और गांव की। अब सिटी का नाम लेके टीम वो ओपन ही रहती है, ओपन ही रहती है, आ जाता है तो उसमें उनके साथ गलत है जो प्रॉपर रूल के हिसाब से खेल रहे हैं। टर्न राइट, राइट दिखा रहा है काले भाई, ओपन ही टूर्नामेंट हो उसमें फिर क्या है कि जिसको जहाँ से खेलना है खेलने दो, जिसमें जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। अब इसमें रूल में आधी टीमें फायदा उठा जाती है, मेरा ये मानना है। ठीक बात है। अच्छा, ये जो नेट की हाइट है पंजाब में थोड़ी कम में मिलती है, बिल्कुल 7.5 मिलती है उससे भी नीचे, और यहाँ पे थोड़ी हाइट 8 के समथिंग रहती है, 7-8 है ना, तो कितनी सही रहती है आपके अनुसार, कितनी होनी चाहिए हाइट के? 7-10 बेस्ट है ना। अच्छे, चलो अच्छी बात है भाई। और कुछ एक्सपीरियंस जो आप यंग प्लेयरों के साथ शेयर करना चाहोगे इस गेम में, जो अभी नए जुड़े हैं खिलाड़ी या फिर जुड़ेंगे भविष्य में, उनके साथ कुछ ऐसी बातें? बेनिफिट बताऊं तो बेनिफिट ये है कि आदमी घर बैठे बैठे ना ये पूरे दिल्ली हरियाणा यूपी राजस्थान की जानकारी निकाल लेगा इस गेम से, इतना सर्कल बन जाता आदमी का। और जो आदमी जुड़ते हैं इस गेम से सब बढ़िया ही जुड़े हैं आज तक हमें हमारे बढ़िया साथ जुड़े हैं। तो और इसका इनका एक बेनिफिट ये भी है कि आपका जो भाईचारा कह लो सर्कल कह लो वो काफी बड़ा हो जाता है, जो आज की तारीख में सोशल लाइफ लोगों की रह नहीं गई है इतनी, फोनों में लगे रहते हैं सब। तो इस गेम का एक बेनिफिट मैंने ये पाया है कि इससे सब कनेक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। इससे आपका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जुड़े जो यंग प्लेयर ने खेलना चाहिए अगर समय मिलता है तो, समय मिलता हो तो करियर तो ना बट सोचे इसमें अपना बढ़िया करियर कहीं और सेट करके इसको एज अ फिटनेस गेम भी खेलें तो भी इसमें बहुत फन है। और बाकी नाम तो इसमें है ही, इंसान नाम तो कमाता ही है और अब तो पैसा भी बहुत आ गया, ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं कमाता नहीं, सही बात भाई, बड़े बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं भाई और फिर रेंट दिया जाता है, दूर से बुला मिलता है, नाम भी मिलता है, यूएसए तक पैसा आने लगा है, ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं, सही बात है भाई, बिल्कुल बढ़ावा मिलना चाहिए क्योंकि हम सभी चाहते हैं इस चीज को, तो नहीं भाई गांव-गांव में खेला जाए, शहर में सभी जगह खेला जाए, लगभग तो अब खेल ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसमें नीरज भाई मैं पूछना चाहूंगा, पंगा थोड़ा सा है नियम में लेके, नियम जैसे हमारे एक दो नियम है जो कि अलग अलग होते हैं टूर्नामेंटों में, जैसे हरियाणा में राजस्थान में टोचन का जो नियम है मेन वो नहीं होता है, और उधर पंजाब में मैक्सिमम टूर्नामेंट में टोचन रख दी जाती है, तीसरी बॉल एक हाथ से मारो दोनों हाथों से मारो, तो आपके अनुसार क्या रहना चाहिए इस चीज को, हमें मतलब एक ही नियम रखना चाहिए सभी जगह? भाई एक नियम प्रेम भाई रखने का फायदा तब है जब ये कुछ आप इसमें कुछ इन फ्यूचर कोई गोल हो या मतलब कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई हो इसमें। अच्छा, अभी तो स्टेट वाइज कह लो आप अपने यहाँ टूर्नामेंट चल रहे हैं, अब मैं यहाँ पे पंजाब के रूल लागू कर दूंगा तो जो यहाँ की टीमों की फॉर्मेट है वो खराब हो जाएगा, पंजाब में जाके हम यहाँ का रूल बना देंगे तो उनका खराब हो जाएगा, तो यहाँ की टीमें वहाँ मुश्किल से कितने टूर्नामेंट चली जाती होगी, पंजाब और पंजाब की यहाँ कितने टूर्नामेंट आ जाती है, 3-4 टूर्नामेंट आती है मुश्किल से साल में, महीने में एक दो, बस उसमें हल्का फुल्की एडजस्टमेंट है तो आदमी वो कर ले तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं वैसे तो खेलने में कोई समस्या है नहीं किसी भी टीम को, है ना, तो वही रूल सेम ही है, एक दो रूल के पीछे इतना ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं, जरूरत है नहीं। अब मैं यहाँ से पंजाब खेलने जाऊंगा तो मुझे पता ही है कि मैं टोचन मिलेगा ही मिलेगा, तो आदमी मेंटली उस हिसाब से प्रिपेयर होके जाता है, वहाँ से वो इधर आएंगे तो उन्हें पता ही होती है या नहीं मिलेगा, तो एक रूल के पीछे इतना ही कोई बात करने की कोई बात नहीं, नहीं सही बात है, सही चल रहा है सिस्टम, बढ़िया है जो चल रहा है, क्रेज बढ़ रहा है। और 2013-14 में नीरज भाई जो टूर्नामेंट होते थे तो जैसा कि मुझे ज्ञात है कि मुश्किल से बड़े टूर्नामेंट में 21,000 के टूर्नामेंट में टीमें 20 या 25 इकट्ठी होती थी, है ना, और अभी टीमें 70-80 मतलब आ जाती है बड़े टूर्नामेंट में, नहीं तो इससे
मतलब बढ़ावा मिल रहा है इस गेम को। नहीं लॉकडाउन के बाद से बहुत क्रेज बढ़ गया। अब क्या है, पहले ना अलग, अब जो एक ना पहले सब अलग अलग भी खेलते थे, कोई अपर एंड खेलता था, कोई अंडर एंड खेलता था, कोई कुछ खेलता था, कोई कुछ खेलता था। अब जो रूल एक जैसे करने की बात है ना, वो अब इस गेम में लगभग आ गई। अब लगभग हर एक ग्राउंड थर्ड बॉल अंडर हैंड ही खेल रहा है, क्योंकि सबको पता है टूर्नामेंट सिर्फ अंडर हैंड ही हो रहा है। तो अच्छा, उस चीज पे भी फायदा हो गया है। मतलब ना चाहते हुए भी हम जो कह रहे हैं ना कि एक रूल हो जाए, तो ऑटोमेटिकली एक रूल होता ही जा रहा है, होता जा रहा है ना। सही बात है। अच्छा, इस गेम को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया का, जैसे फेसबुक पे लाइव चलता है, यूट्यूब पे हम ये वीडियो बना रहे हैं खेल के बारे में, तो कितना योगदान है सोशल मीडिया का इस गेम को बढ़ावा देने के लिए? प्रेम का भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये लाइव भाई, हम ये फील करते हैं, हमारी सारी टीम ही फील करती होगी ये चीज, कि ये लाइव शायद जब बहुत पहले आ जाता ना, तो हमारा नाम उस वक्त पे जो हमने नाम कमा लिया था, या मतलब जो भी हमारी किस्मत थी हम जीत गए थे, तो कम से कम हम आज वो मैच अपने उठा के देख तो पाते कि भाई हमने वो वाला मैच इतना अच्छा जीता था, उस वाली टीम को ऐसे हराया था, या जो ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा था, या हमसे ये गलती हो गई, हम हार गए थे, हम वो चीज मिस करते हैं। आप जैसे हम कोई मैच हारते हैं या जीतते हैं, तो उसको अपने घर जाके दोबारा देखते हैं, तो कुछ जो गलतियां हुई हैं वो सुधार रहे हैं, भी खेल रहे हैं इस गेम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं वो भी वो देख रहे हैं कि भाई ये बड़ा प्लेयर इस बॉल को कैसे मारता, मैं कैसे मारता हूँ। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा है हर एक के लिए, और इससे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है गेम की। घर बैठे बैठे आदमी टूर्नामेंट देख लेता है, पहले मुश्किल से आपको पूरा दिन निकाल के आना पड़ता था, अब आप अपने घर लेटे लेटे मैच देख लेते हो, इसके भी बहुत बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इन चीजों को भाई बढ़ावा देना चाहिए, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा उन सभी जो भी इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज में, यूट्यूब क्रिएट करना चाहते हैं, चैनल वगैरह, फेसबुक जो भी है, बाकी हम सहयोग करेंगे भाई का, जो भी इंटरेस्टेड है बढ़ावा दो जितना भी हो सके नहीं इस गेम को, है ना भाई। और भाई काड़े भाई, कुछ खेल से संबंधित नीरज भाई से कुछ पूछना हो तो आप भी? वाह भाई, हम तो सब कुछ जानते हैं नीरज के बारे में, हमारे बारे में नहीं भाई, हसमुख है, बढ़िया इंसान है भाई नीरज भाई। और 15-16 साल हो गए भाई हमें एक साथ खेल, टूर्नामेंट खेलने जाते तो मन लगता है भाई बैठ के, मतलब मजा मजा करते हैं। सबकी जिंदगी में उतराव चढ़ाव सबकी जिंदगी में, टेंशन सबकी जिंदगी में, हमारा मेरा एक सिंपल पॉलिसी है कि हम टूर्नामेंट में आ रहे हैं घर से अपना टाइम निकाल के, तो वो एक पिकनिक है, पिकनिक है, और उस दिन मुझे जितना मजा लेना है वो उसी दिन लेना है, लेना हाँ, तो मैं एंजॉय करना चाहिए कि भाई कोई भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि एक चीज तो मैं और बताता हूँ अभी, अब थोड़ा सा वैसे आ जाते हैं इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे ये पता चल रहा है इंटरव्यू चल रहा है, तो अब मैं अपनी रियल साइड ना दिखा के ना आपको बहुत मासूम बन के दिखाऊंगा, ऐसा भी कर रहे हैं लोग इंटरव्यू में। अच्छा, जो मैं ये बात कह रहा हूँ ना, जिनको कह रहा हूँ वो समझ भी आए हैं, और वो बाद में मेरे को पकड़ भी लेंगे इस चीज के ऊपर। तो इंटरव्यू में भी बहुत लोग खेल रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर, अच्छा। सब बहुत तेज फिल्म है, ये जो पुराने पुराने बंदे बैठे ना इस गेम में, ये सारे खेले खिलाए हैं, इनको हर चीज टैक्टिक पता है, कैसे कमेटी को इन्फ्लुएंस करना है, कैसे प्लेयरों को इन्फ्लुएंस करना है, ये सब खेलना जानते हैं। अच्छा, इस गेम में वो वाली प्रेम, पहले वो भी तो चीजें होती थी, हम घर जा रहे हैं, घर कोई नहीं गया आज तक, मैच खेल के जाते हैं, वो डराने वाली बात होती है, मैच निकालने वाली है भाई, ऐसा मत करो भाई, है ना। In 500 meters, turn left. सब पार्ट एंड पार्सल है गेम का, सब एंजॉय करने आते हैं, बिल्कुल सब खेलते हैं, जिसका दिन अच्छा होता है वो जीत जाता है, इतना बिल्कुल से लगाने की चीज नहीं भाई। देखो, अच्छे खिलाड़ी का प्रदर्शन तो पब्लिक अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखो, एक खिलाड़ी को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं भाई? टर्न लेफ्ट। धन्यवाद भाई नीरज का। एक चीज और रह गई। हाँ बताओ। हैंड ग्रिप की बात करते हैं, आजकल सबके हैंड ग्रिप इसकी वैसी। तो भाई मेरा कहना ये है कि आपको जो कंफर्टेबल हैंड जैसे होता हो ना, वैसे बनाओ आप, स्टार्टिंग आप जैसे खेलते सहवाग की तरह बैट पकड़ लेगा तो कोई सहवाग थोड़ी बन जाएगा यार, वो द्रविड़ी रहेगा। तो आप अपने हिसाब से बनाओ हैंड ग्रिप, जैसे आपको कंफर्टेबल होता हो उस हिसाब से हैंड ग्रिप ना, किसी के हैंड ग्रिप कॉपी करोगे आपका जो ऑलरेडी गेम है वो ऑल डाउन हो जाएगा। आपने जैसे शुरू करा है वैसी तो नीरज भाई बताएंगे अपनी हैंड ग्रिप भाई, ऐसे ही मत बनाना जैसे ये बता रहे हैं। मेरी हैंड ग्रिप में भाई कुछ नहीं है,
ना तो फोर्स है ना एक्यूरेसी है, फिर भी दिखाई देखो राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड आ जाता है और बस बन गई हैंड ग्रिप। अच्छा ऐसे ही बस अंगूठा आ गई है हैंड ग्रिप हो गई। इतना खुला रखते हो आगे से वो भाई अपने आप कभी बोल के हिसाब से, जैसे फोर्स आई तेज आई मंदी आई तो कभी यहाँ लग जाती है कभी यहाँ लग जाती है, मुझे भी नहीं पता कहाँ लगती है पर चल जाता है पीछे लेफ्ट ना। सही है, बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नीरज सहरावत का, भाई ने इंटरव्यू दिया बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट पॉइंट अरबाज पेरी, फाइनल में पहुंच चुकी है भोलू की टीम, तानवीर अंकित अभिषेक ने काफी